आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तखरुजु मिन खुरासान रायातु सूदुन ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसबु बीलिया। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुरासान की जानिब से, दूसरी रवायात में मिन कबल खुरासान के अल्फाज मिलते हैं, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि खुरासान की जानिब से, खुरासान के से पहले की सरजमीन से काले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين। आखिर उस ज़मान का जहाँ ज़िक्र आता है तो वहाँ पर अहम तरीन जगह बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन के सरज़मीन का भी ज़िक्र आता है। आखिर उस ज़मान के मामलात में, वाक़ियात में हम फ़लस्तीन की सरज़मीन को, बैतुल मक़दस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इस सिलसिले में बड़ी अहम तरीन हदीस शरीफ है, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4294 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी, मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा, फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फतह होगी और कुस्तुनतुनिया की फतह दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हज़रत मुआज़ बिन जबल की रान या मूंढे पर मारा या रखा, जिनसे आप ये बयान फरमा रहे थे, फिर फरमाया कि ये ऐसे ही यकीनी है कि जैसा तुम्हारा यहाँ पर बैठा होना यकीनी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मशरिक की आती है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब मालूम ये हुआ कि जब बैतुल मक़दस की आबादी होगी, यानी कि बैतुल मक़दस तो पहले भी आबाद था, वहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन जो एक और साइकिल चलेगा, यानी कि मुसलमानों ने बैतुल मक़दस को फ़तह किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दौर में, और फिर उसके बाद इवेंचुअली आखिरी ज़माने में जब वो मुसलमानों के हाथ से निकल गया बिल्कुल, उसके बाद वहाँ पर बनी इसराइल की यहूद की बाकायदा आबादकारी, ये उससे ये मुराद है कि वो, यानी कि बैतुल मक़दस दोबारा से आबाद किया जाएगा उन लोगों से जो कि अपने आप को ओरिजिनल इसका ओनर और वारिस समझते हैं। हालांकि बैतुल मक़दस अल्लाह की वो सरज़मीन, पाक अंबिया की वो सरज़मीन, उसके असल वारिस वो लोग हैं कि जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के तमाम तर अंबिया और रसूल पर ईमान लाते हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह की सरज़मीन अल्लाह के उन बंदों के का हक है कि जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। लेकिन वो लोग जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने वाले हैं, वो उस ज़मीन पर अपना दावा दायर करते हैं, उन्होंने वहाँ पर आकर दोबारा आबादकारी शुरू कर दी है, और ये इस आखिरी और अहम तरीन निशानी का ज़हूर है कि बैतुल मक़दस की आबादी हो गई है, और बैतुल मक़दस की आबादी मदीना मुनव्वरा की वीरानी है। बैतुल मक़दस की आबादी यानी वहाँ पर यहूद की आबादकारी और उसका ऑफिशियली एक्सेप्ट हो जाना यरूशलेम का इसराइल के कैपिटल के तौर पर, ये वो आबादकारी और वहाँ पर उस शहर की दोबारा जो यहूद की बनी इसराइल के ज़रिए से आबादकारी है, उसके ऊपर आखिरी और फाइनल स्टैम्प है। इसके फौरन बाद मदीना की वीरानी का ज़िक्र मिलता है, और मदीना की वीरानी फितनों और जंगों का आगाज़ है, यानी कि इसके फौरन बाद मलहमतुल कुबरा होगा, वो अजीम जंग होगी कि जिसके अंदर हर 100 में से 99 और कुछ रवायात के मुताबिक हर 1000 में से 999 लोग मारे जाएंगे। यानी कि मस्जिद अक्सा की जगह पर हैकल सुलेमानी, जिसको वो कहते हैं, हालांकि हैकल सुलेमानी जो अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब जो उनका महल है, उसको
अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाई गई मस्जिद को मुनहदिम करके या उसकी जगह पे रिप्लेस करके नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो पिछली शरीयतें गुजर गई उनके बाद अल्लाह ताला की तरफ से जो मंजूर शुदा और एक्सेप्टेबल शरीयत है वो सिर्फ शरीयत मुहम्मदी है। अब वहाँ पर जो 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 मुसलमानों की मस्जिद मौजूद है सिर्फ उसी के क़याम का जवाब है। पिछली इमारत को अल्लाह की मौजूदा शरीयत के मुताबिक बनाई गई मस्जिद को मुनहदिम करके बनाने का जवाज ही गलत और बिल्कुल बातिल है और कुफ्रिया है, तो इसको हैकल सुलेमानी कहना भी मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुनासिब है। ये दरअसल हैकल सुलेमानी का बहाना करके दज्जाल का, एंटाई क्राइस्ट का वहाँ पर जो भी महल उसको कह लें, जो भी उसका ठिकाना कला कह लें, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और इनका ये मानना है कि दुनिया के ऊपर उनकी हुकूमत कायम करने के लिए किसी ने आना है और वो वहाँ पर उनकी दुनिया के ऊपर इनकी हुकूमत कायम करेगा। तो उसका सारा का सारा मामला शुरू हो चुका है और अब वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं लग रहा, अल्लाह ताला हमें वो दिन ना दिखाए कि जब हमें ये मालूम पड़ेगा कि मस्जिद अक्सा के अराउंड या उसके नीचे अंडरग्राउंड एक खुफिया तौर पर दज्जाल के जो महल है उसकी तामीर मुकम्मल अल्लाह ना करे उन्होंने कर ली है वो। लेकिन तमाम तर जो ज़मीनी हकायक हैं और तमाम तर अल्लाह ताला की तरफ से भी जो इशारे आ रहे हैं उनसे यही बात पता चलती है कि ये मामला बिल्कुल करीब है। और जब ये मामला हो जाएगा तो बिल्कुल जो आखिरी जो स्टेप है बैतुल मक़दस की आबादी वाला वो मुकम्मल हो जाएगा और इसके फौरन बाद एक तूफ़ान उठना है जंगों का कि जिसकी वजह से जिस मदीना मुनव्वरा की भी वीरानी हो जाएगी, मुसलमानों के हाथों से जो हजाज़ मुकद्दस है अरब के इलाके हैं जो बाकी इलाके रह गए हैं वो भी मुसलमानों के हाथों से अल्लाह ना करे निकल जाने, हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। और उसके बाद मलहमतुल कुबरा का आगाज़ होगा जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगी कि सारा मिडल ईस्ट और सारे मुसलमानों के इलाके उनके हाथों से निकल जाएंगे। और इवेंचुअली जैसे हमें पता है कि इसका जो एंड पार्ट होगा वो ये होगा कि तमाम तर मिडल ईस्ट और ये इलाके जो ऑयल रिच, गोल्ड रिच और जो और अदर प्रेशियस मेटल्स उनके हवाले से रिच हैं उनको टेक ओवर करने के बाद सो कॉल्ड सुपर पावर्स ये समझेंगे कि अब हमारे लिए बड़ा आसान है कि मशरिक का एक मुल्क है इस्लाम का, नऊज़ु बिल्लाह, वो ये समझें कि हमने ख़ात्मा कर दिया, अब हमने इस मशरिक के एक मुल्क का भी ख़ात्मा करना है कि ये कैसे तरक्की कर रहा है जबकि पूरी दुनिया में मुसलमान तनज़ली का शिकार है। तो फिर वो इसके ऊपर टूटेंगे, हिंदुस्तान को साथ, हिंदुस्तान उनको साथ मिलाएगा, वो हिंदुस्तान को साथ मिलाएंगे और फिर इसके ऊपर टूटेंगे और यहाँ पर वो ग़ज़वा हिंद होगी। फिर यहीं तक बात ख़त्म नहीं हो जाती, फिर वो जो मशरिक के काले निशान हैं उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है वो इसको बड़ा वाज़े कर देता है। अभी कुछ दिन पहले हमने ये डिस्कस किया कि जब एक अजीम जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जाएगी तो फिर पाकिस्तान और यहाँ की अफवाज और वो मशरिक के काले निशान पाकिस्तान के काले जंगी जहाज सिर्फ कश्मीर को ही वापस नहीं लेंगे, फिर पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। और फिर पूरा हिंदुस्तान ही हमारा नहीं होगा, फिर पूरा मिडल ईस्ट ही हमारा होगा, फिर पूरा मिडल ईस्ट ही हमारा नहीं होगा बल्कि रशिया भी हमारा होगा, अमेरिका भी हमारा होगा और यूरोप भी हमारा होगा। ये बात जब हमने की तो उसको एक दीवाने की भड़क समझा गया और उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन मैं आज आपको ये हदीस सुना देता हूँ कि जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2269 है, 2269। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तख़रुजु मिन खुरासान रायातु सूदुन ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसबु बीलिया। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुरासान की जानिब से, दूसरी रवायात में मिन क़ब्ल खुरासान के अल्फाज मिलते हैं तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि खुरासान की जानिब से, खुरासान के से पहले की सरजमीन से काले निशान निकलेंगे, रायात सूद, ब्लैक विजल्स निकलेंगे, ला यरुद्दुहा शैयन हत्ता तुनसबु बीलिया, हत्ता के वो एलिया बैतुल मक़दस में जाकर नसब ना हो जाए। यानी कि जो ग़ज़वा हिंद है उसको फतह करने के बाद मशरिक़ के काले निशान उनके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत होगी और वो
उनको कोई रोकने वाली चीज़ नहीं होगी, हत्ता कि वो यहाँ से निकलते हुए दरमियान में आने वाली हर चीज़ को फतह करते हुए चले जाएंगे और उनको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, हत्ता कि वो बैतुल मक़दस को भी दोबारा फतह कर लेंगे और अल्लाह ताला बैतुल मक़दस और फ़िलिस्तीन की सरज़मीन को भी दोबारा मुसलमानों के हाथ में दे देगा। और मज़ीद तफसील जो आपको बार बार रिमाइंड कराई जा रही है, बार बार हम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो बातें बताई जा रही हैं, उनके मुताबिक पूरी दुनिया के ऊपर जो अल्लाह का निज़ाम कायम होना है वो भी इसके फौरन बाद होगा। और हदीस में मिलता है कि पूरे कुर्रे अर्ज़ पर कोई कच्चा पक्का मकान ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके अंदर इस्लाम दाखिल ना हो।